चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9.1। दोस्तों 9.1 एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म ऑफ वार्नर्स पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट्स जो है वर्नर के, पता है आपको क्वेश्चन 9.1 के लिए आपको एक दो चीज़ पढ़नी है, वैलेंसी प्राइमरी होती है वैलेंसी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ना उसको बोलते हैं वैलेंसी। दोस्तों एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ, के फोर एफ ई सी एन सिक्स। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल हैव अ टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है दोस्तों? दैट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? इट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों आपकी प्राइमरी वैलेंसी जो एफ ई की है इसमें एफ ई प्लस टू बनता है, इसीलिए प्राइमरी टू, लेकिन कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो साइनाइड लिगेंड, कितने लिगेंड एफ ई के साथ अटैच हुए हैं? तो सर अगर ऐसे देखा जाए तो सी एन जो है वो 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल शेप में उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। तो प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। तो ऐसे ही फाइंड किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड किससे होती है? ओनली नेगेटिव आयन से। और सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड से। तो लिगेंड क्या होता है? नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल। सो आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है, आपके पेज नंबर निकालो दोस्तों, तो साथ में ही दिखा देता हूँ आपको तो उधर ही पता चल जाएगा, 245 नंबर, उसी में ही अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पोस्टुलेट 1 जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज टू टाइप ऑफ लिंकेज वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नंबर 2, द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। एंड थर्ड, द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयन्स। द सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर द मेटल। ओके, स्पेसिफिक मेटल के लिए वो फिक्स होती है। उसके बाद की बात में अगर सोचेंगे हम कि भाई सेकेंडरी वैलेंसी जो आयन ग्रुप बाउंडेड बाय द सेकेंडरी लिंकेज एंड मेटल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब उसका स्पेशल शेप होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेशियल अरेंजमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको पता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर ML4 है या तो ML6 है, तो उसके शेप बदल जाते हैं ना, तो ये हो जाता है टेट्राहेड्रल और स्क्वेयर प्लेनर, और ML6 वाला ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको 4 पोस्टुलेट लिखने हैं। और दोस्तों ये थियरम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नंबर 1, चलो 9.2, FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ Na2। तो चलो 9.2 के अंदर देखेंगे FeSO4
इज मिक्सड विच NH4 twice SO4। दोस्तों NH4 twice SO4 है ना, तो ये अगर इसके साथ मिक्स होता है तो हमें ये देता है Fe SO4 NH4 twice SO4 6H2O प्लस प्लस 6H2O। तो ये पूरा जो मिला मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मोहर सॉल्ट। और दूसरी चीज़ फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या बोला जाता है इसको, फेरस अमोनियम सल्फेट की, जिसकी वजह से हमें इतना पता चल जाएगा कि भाई ये जो है आपका मोहर सॉल्ट वो डबल सॉल्ट है, और डबल सॉल्ट जो होता है वो ऑलवेज आयोनाइजेबल होता है। उसको अगर पानी में डालोगे तो Fe+2 SO4-2 NH4+ आयन सब मिलते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया कि ये दोनों का 1:1 मोल, तो ये 1 मोल और ये 1 मोल लिया, और गिव द मोलर रेशियो डज नॉट गिव द टेस्ट, सॉरी सॉरी द टेस्ट ऑफ Fe+2। तो यस इट कैन गिव द Fe+2 टेस्ट बिकॉज इट इज़ अ डबल सॉल्ट, बट करके बोला आपको Cu SO4 एक्सेस ऑफ NH3 के साथ जुड़ के Cu NH3 4 SO4 ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो Cu NH3 4+2 NSO4-2 बनता है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये आपका पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव Cu+2 नहीं मिलता हमें, तो इसीलिए ये क्यों ऐसा हुआ, तो CuSO4 से इट मेक कॉम्प्लेक्स, ओके कंपाउंड, बट इट इज मेक डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कैन कंप्लीटली आयोनाइज एंड गिव्स इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, बट डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैन नॉट गिव। ओके दोस्तों, उसके बाद 9.3 का टॉपिक है, नाइन पॉइंट थ्री के अंदर क्या है क्वेश्चन दोस्तों। यस क्वेश्चन ऐसा है, आपको यहां पे बताया है कि भाई एक्सप्लेन विच ऑफ द एक्सप्लेन विथ टू एग्जाम्पल ईच ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फॉलोइंग एक दोस्तों कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अगर इसका एग्जाम्पल नंबर 9.3 में कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, सर Cu NH3 4+2 है ना, Fe CN6-4, तो ये कॉम्प्लेक्स दिखाया ना, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अनदर वर्ड लिगेंड्स, लिगेंड, तो लिगेंड में कौन होगा, सर यूनिडेंटेड में आपका अमोनिया वाटर CO NO OH-CN- या तो EN डाइडेंटेड, PTN ट्राइडेंटेड, EDTA, ये सब क्या है, ये सब आपके लिगेंड्स है। चलो आगे जा रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या होता है, जैसे हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है NH3 4
प्लस टू में कॉपर के साथ अमोनिया के चार मॉलिक्यूल चार साइड से, वो कोई भी हो सकता है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल से जुड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो उसका चार हो जाएगा। और Fe CN6-4, इसके अंदर Fe के साथ कितने CN लिगेंड अटैच हुए हैं और लिगेंड के कितने एटम उसके साथ अटैच हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हैं। CO(EN)3, कोई बच्चा मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकता है? वेरी गुड प्रिंस, इट्स अ थ्री, बट इट इज नॉट अ थ्री, बिकॉज भले ही आपका कोबाल्ट के साथ आपने तीन ईएन जुड़े, लेकिन ये एक ईएन के पास डाइडेंटेट लिगेंड है, वो तो दो को जुड़ता है। तो देखो कोबाल्ट के साथ कितने बॉन्ड बने सीधे, छह बॉन्ड, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, अगर यही टॉपिक दोबारा आएगा तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये भी ध्यान में रख लेना। CO H2O NH3 OX2। चलो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है, तो ये कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आप बताओगे मुझे? ट्राई करो बेटा, गलत हो जाएगा तो सुधर जाएगा, लेकिन ट्राई ही नहीं करोगे तो नहीं सुधरेगा। आप लोग मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? उर्मिक इट्स अ सिक्स। हाउ? क्योंकि एक H2O है, एक NH3 है, ऑक्सैलेट दो है, लेकिन ये ऑक्सैलेट के पास डाइडेंटेट वैलेंट है, इसीलिए चार हो जाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स फॉर दिस। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन ये क्या मतलब हो जाता है? जैसे Cu NH3 4+2 अगर बनाया तो क्या मिलेगा हमें, कि भाई ये कॉपर के साथ अमोनिया के चार मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं, तो इसका शेप क्या होगा? सॉरी, ऐसा तो सिक्स नहीं हो गया ना, CuNH3 NH3 NH3 NH3। हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई Ml4 है, तो ये एक शेप ये बन सकता है और एक शेप ये बन सकता है ना? Ml5 है तो इसका शेप ये बन सकता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ये ऊपर वाला स्क्वायर प्लेनर है और ये टेट्राहेड्रल है ना, और ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है। ओके, तो ये ध्यान में रख लेना आप लोग। और Ml6 हो गया तो ऑक्टाहेड्रल होगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। होमोलेप्टिक एक वर्ड आया, ये कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है ऊपर वाला पहला, जिसमें अमोनिया के ही चार मॉलिक्यूल या तो चार लिगेंड मेटल के साथ जुड़े हैं, और कोई अनदर इसमें कोई लिगेंड दूसरा पानी का, साइनाइड का या ऑक्सैलेट का कोई भी नहीं है, तो ये अकेला है। तो होमोलेप्टिक, लेप्टिक का मतलब लिगेंड, होमो मतलब सेम होने चाहिए, ऑल्सो Fe(CN)6 इट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। ओके, रेडी दोस्तों? यस। तो यहाँ पे ये पहले वाला जो है CuNH3 4 और Fe(CN)6, ये दोनों होमोलेप्टिक है, ये ईएन भी होमोलेप्टिक, लेकिन ये हिटरोलेप्टिक होगा।
तो हम इसको लिखेंगे एम ए फोर, और यहाँ पे क्या होगा एम ए टू बी टू। कुछ समझ में आ गया कि लिगेंड सेम टाइप के सारे लिगेंड होंगे तो दैट इज होमोलेप्टिक, और अलग अलग हुए तो हिटरोलेप्टिक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 9.4 में व्हाट इज मीन्ट बाय द यूनिडेंटेड डाइडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड, गिव टू टू एग्जांपल। पहली बात तो ये है, लिगेंड के बारे में आप लोग जानते हो, लिगेंड्स के बारे में आप लोग जानते हो, तो इट इज़ अ नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चलो ये नेगेटिव आयन है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हाँ दोस्तों, तो मैं ही आपको ये बता रहा चाहता हूँ कि भाई ये लिगेंड एक तो आता है यूनिडेंटेड, तो यूनिडेंटेड मतलब उसमें दो तरह के आते हैं, न्यूट्रल भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो चलो न्यूट्रल भी आते हैं, तो न्यूट्रल में कौन आया, H2O, NH3, CO एंड NO, दीज आर द न्यूट्रल यूनिडेंटेड। और नेगेटिव में CN-, OH-, AF-, Cl-, Br-, NO2-, NH2-, सबके सिर पे -1 चार्ज वाले सारे, इट इज कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड कौन है दोस्तों, उसमें भी न्यूट्रल और नेगेटिव, तो न्यूट्रल में आता है EN, उसको बोला जाता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है CH2 CH2 NH2 NH2। दो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो है ये दोनों नाइट्रोजन। समझ में आया, दे आर कॉल्ड डाइडेंटेड। और नेगेटिव में होता है SO4-2 CO3-2 ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट को C2O4-2 भी बोला जाता है, COO- ऐसे करके भी लिखा जाता है, और OX-2 भी लिखा जाता है। तो आप ये तीनों हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये तीनों को सर्कल बना के अलग कर लेते हैं। ये हो गया OX-2, C2O4-2, COO- COO-, तो इट इज़ डाइडेंटेड। SO4-2 के अंदर भी ऐसा ही होता है, CO3-2 के अंदर भी यही होता है। क्लियर है दोस्तों कि जिसकी वजह से हमें ये मिलता है। अब आया एम्बीडेंटेड। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, ऐसा लिगेंड कि जिसकी पूंछ अलग अलग हो, एक में NO2 और ONO, इसको बोला जाता है नाइट्राइटो N, और इसको बोला जाता है नाइट्राइटो O। समझ में आया दोस्तों। ऐसा एक आता है दूसरा SCN में साइनाइड, तो इसको थायो साइनेटो S, और NCS ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो थायो साइनेटो N बोला जाता है। तो समझ में आया होगा आप सबको कि ऐसे एम्बीडेंटेड का मतलब ये होता है लिगेंड एक ही है
लेकिन इसमें से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो बदल जाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो बदल जाता है। चलो 9.5 उसको हम, मैं आपको देखो, स्पेसिफाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मैं आपको सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल का बताऊंगा, बाकी की आपको खुद करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको फाइंड करना नहीं आता तो आपको ये चैप्टर 50% नहीं आता ऐसा समझा जाएगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस उसका है। आपके आए हुए मार्क्स खींच के ले जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए कभी भी ये गलती मत करना। चलो CO H2O CN EN ट्वाइस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। चलो रेडी, तो हम देख रहे हैं इधर CO का फाइंड करना है, प्लस H2O प्लस CN प्लस 2 × EN इक्वल टू, ये जो पावर होता है वो इक्वल टू के उस साइड जाता है, ये प्लस 2 है इसीलिए हम प्लस 2 लिखते हैं। CO H2O न्यूट्रल लिगेंड है, देखा ना ये न्यूट्रल है, ऊपर देखा आपने, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। CN का -1 है क्योंकि ये -1 चार्ज है, प्लस EN न्यूट्रल है इसीलिए 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, CO-1 इज इक्वल टू 2, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 हुआ। बच्चों एक दूसरा ही मैं करवा लूँगा अभी आपको, बाकी के खुद आपको करने हैं। नंबर 4 K3 Fe CN6, तो दोस्तों 3 × K प्लस Fe प्लस 6 × CN इज इक्वल टू 0। ये K क्या है, तो दोस्तों K मीन्स पोटेशियम, पोटेशियम वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, वो ऑलवेज +1 देता है। Fe 6 × CN-1 था चार्ज उसका, इसीलिए -1 लिखा, इक्वल टू 0। तो आपका यही स्टेप 3 प्लस Fe माइनस 6 इज इक्वल टू 0, Fe माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो Fe इज इक्वल टू प्लस 3। कुछ समझ में आया दोस्तों आपको, समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आपको ये 9.5 वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जा रहे हैं 9.6, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें से मैं 3 करवाऊंगा आपको, किसी भी 3 का आप मुझे बोल सकते हो। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 1 टेट्रा, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, टेट्रा हाइड्रोक्सो डाई हाइड्रोक्सी डो हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, और ये 2 मिलेगा मुझे। चलो तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो सबसे पहले इसमें मेटल है जिंकेट में जिंक, और 8 लगा, इसका मतलब वो पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होना चाहिए। टेट्रा हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड 4 मतलब 4 हो गया है ना, और ये 2 करना है दोस्तों, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 करना है प्लस 2, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा वो हमें पता नहीं है, तो उसको फाइंड करने की मैं प्रोसेस बताता हूँ। इसको आप लोग एज्यूम कर लो दैट इज एक्स। चलो नाउ वी वांट टू फाइंड एक्स, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ZN प्लस 4 × OH इज इक्वल टू एक्स।
अब मुझे बताओ जेड एन कितना चाहिए आपको? सर यहाँ पे दिया है 2, तो 2 प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू वॉट? एक्स। तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू -2। तो आपका यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जेड एन ओ एच 4 -2। बच्चों समझ में आया? ऐसा ही मैं आपको दूसरा देता हूं। नंबर VII। ओके चलो, मतलब ये 7 होगा शायद। पोटेशियम ट्राइनाइट ऑक्सैलेटो क्रोमेट 3। चलो दोस्तों, अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, पोटेशियम पहले है और फिर ये पोटेशियम कोई लिगेंड नहीं है, वो आगे वाला मेटल है। तो इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? पहले लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट करके क्रोमेट है तो ये क्रोमियम होगा, और ट्राई क्या है? ऑक्सैलेटो, वो एक्स थ्राइस है। तो क्रोमेट 3 करना है, तो अभी यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे केक नंबर्स कितने आएंगे वो फाइंड करना है। सपोज हम धार लेते हैं कि इट इज एक्स, क्या भाई? के एक्स सी आर ओ एक्स थ्राइस, ओके दोस्तों। सो व्हाट वी कैन गेट हियर? एक्स इंटू के प्लस सी आर 3 इंटू ओ एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर, ये टोटल तो न्यूट्रल ही है ना। अब एक्स इंटू के का वैल्यू तो +1 था, सी आर कितना चाहिए? +3, +3 इंटू ओ एक्स का -2 है, इसीलिए 0। एक्स इंटू 1 एक्स, +3 -6 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आ रहा है? तो एक्स इज इक्वल टू 3। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? के 3 सी आर ओ एक्स थ्राइस। तो नाम से स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे। अब एक लास्ट दे रहा हूँ जो होगा आपका, आई थिंक यस IX, थोड़ा सा ऑड है। टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्रेट 3। चलो तो दोस्तों, इसके अंदर अगर हम देखेंगे, क्यूप्रेट मीन्स कॉपर, टेट्रा ब्रोमाइडो, तो हम क्या लिखेंगे? Br3 4। अब मुझे इसका 2 करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे हम एक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों Cu+4 into Br इज इक्वल टू एक्स, है ना? तो दोस्तों Cu का तो आपको +2 करना है, +4 into -1 इज इक्वल टू एक्स, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, एज एक्स इज इक्वल टू -2। कुछ समझ में आया दोस्तों? यस, तो वी कैन गेट हियर। बाकी के खुद ही करना होगा। अब आ रहा है 9.7। यूजिंग IUPAC नॉर्म राइट द सिस्टेमेटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो चलो इसमें से भी मैं 3 करवाता हूँ। इसमें पहला वाला है CO NH3 6 Cl3।
चलो अब हम इसको नोमेनक्लेचर करना है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हमें बहुत सारे रूल्स बता के गए हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स और ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले पॉजिटिव का नाम होता है और फिर नेगेटिव का। तो पॉजिटिव है आपका कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में भी सबसे पहले लिगेंड का नाम होता है, तो वो लिगेंड है अमोनिया, लेकिन उसके नंबर 6 है, तो हम लिखते हैं हेक्सा अमाइन। चलो दोस्तों समझ में आया, हेक्सा अमाइन हो गया। अब ये कौन है, CO मतलब कोबाल्ट। यस। कभी कभी हमें क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे कोबाल्ट लिखना है कि कोबाल्टेट लिखना है। जब आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव बनता है तो समझ लो कि आपको सादा नाम लिखना है, सिंपल नेम ऑफ द मेटल कोबाल्ट, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है और बाहर लिखना है क्लोराइड। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाली आगे वाली प्रोसेस अगर आपको आती नहीं है तो ये नाम आपका गलत हो जाएगा। 6 × NH3 + 3 × Cl इज इक्वल टू 0। CO 6 × 0 + 3 × −1 इज इक्वल टू 0। CO − 3 इज इक्वल टू 0 CO + 3। सो वी कैन राइट हियर रोमन में 3 III। चलो ओके दोस्तों, नंबर 2 कौन सा करेंगे हम, मेरे ख्याल से 2 ही सही है। CO NH3 4 Cl NO2 Cl। चलो ऐसा है, तो सबसे पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव का नाम। तो पॉजिटिव आपका कॉम्प्लेक्स ही है, तो इसका पहले नाम करोगे तो क्या होगा दोस्तों, उसमें लिगेंड का नाम टेट्रा अमाइन, क्योंकि अल्फाबेटिकली अमाइन का ए, क्लोराइड का सी, नाइट्राइटो का एन, क्लोराइडो क्लोराइडो एक ही है इसीलिए, और ये है नाइट्राइटो, कुछ भी नहीं दिया इसीलिए हम उसको एन बोल देते हैं। कोबाल्ट सादा नाम, और रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर क्लोराइड। समझ में आ रहा है, क्लोराइड। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, 0 − 1 − 1 + 3। आप लोग उसको खुद फाइंड करोगे, नहीं आता है तो पूछोगे। उसके बाद ये है 6 नंबर। सर इतना इजी क्यों लिया आपने, इजी है लेकिन इजी नहीं है। ये 4 है तो टेट्रा क्लोराइडो है ना, निकलेट सिक्के, हाँ निकलेट, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, ये -2 है हा? तो यहाँ पे 2 आएगा। आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कंपलसरी फाइंड करना है, और जब ऐसा आयन होता है तो उसको आपको आयन लिखना है। क्लियर दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कि आप खुद करोगे दोस्तों। चलो फिर आ रहा है 9.8। 9.8 के अंदर क्या लिखा है, लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। पॉसिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ इच। अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, आपको पता है आपने दो तरह का ये समझा हुआ है आइसोमेरिज्म। उसमें सबसे पहले आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
और दूसरा है स्ट्रक्चरल। चलो हो गया। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म वापस दो टाइप के हो जाता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आपने देखा ML4 और ML6। ML4 में भी MA2, B2 और MABCD और ML6 के अंदर दो पड़ेंगे MA2B4, MA3B3। इसमें मिलता था हमें फेसियल एंड मेरी डियोनल और इसमें मिलता था सीस एंड ट्रांस। ये सब में सीस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल में हमें मिलता था क्या है दोस्तों? यस, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। चलो समझ में आया? यस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें मिलता था उसमें। आपको एक एक एग्जांपल खुद देने हैं। अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके टाइप थे, पहला था लिंकेज है, दूसरा था कुछ कोऑर्डिनेशन, तीसरा था आयोनाइजेशन और चौथा था सॉल्वेट। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज आपको मिलती है और आपने पढ़ा भी है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ दोस्तों। बाकी के एग्जांपल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देख लेना, ये इम्पोर्टेंट थियरी है। समझ गए? यस, पूछेंगे ये लोग। उसके बाद 9.9, हाउ मैनी जियोमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। भाई अगर पहला वाला मॉलिक्यूल है आपका Cr C2O4 थ्राइस -3, तो इसमें से आपको नो जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑब्टेंड, बट इट गिव्स द आइसोमर कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले की बात आएगी, CO NH3 thrice Cl3, तो इट इज अ लाइक MA3B3। तो दोस्तों ये क्या होगा? यस, फेसियल एंड मेरीडियोनल। हाँ दोस्तों, फेसियल एंड मेरीडियोनल आपको याद होगा, आपने एक ही फेस पे NH3 लगाया तो ये फेसियल बन जाएगा, और मेरीडियोनल में आपने फेस को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया और सिर्फ एक ही NH3 को शिफ्ट, तो ये मेरीडियोनल हो जाएगा। तो ये बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9.10। चलो ओके दोस्तों, 9.10 के लिए रेडी हो आप लोग? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर किसका मिलेगा आपको? Cr C2O4 thrice -3। तो कैन वी ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड? तो यस, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, C
आर है ना। अब देखो इधर मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्जेलेट ऑक्जेलेट -3 यहाँ पे क्या आएगा, मिरर। वो बाद में पता चलेगा कि मिरर आया है ना। अब यहाँ पे ऑक्जेलेट 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 -3। तो दोस्तों आपको ये पता चला कि ऑप्टिकली अगर एक्टिव आइसोमेरिज्म हमें पढ़ाना है तो ये दो चीज़ हो जाती है, इसमें डेक्स्ट्रो और लियो बन जाता है। फिर नंबर 2, नंबर 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन है PtCl2En2 2+। तो दोस्तों ये भी आपको क्या देगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता ही है। जैसे कि ये दोनों का Cl और Cl यहाँ पे आ गया, En2 है ना, En +2। चलो ये देगा दोस्तों, तो यस इट कैन गिव द ऑप्टिकल आइसो मर्स। और भी तीसरा वाला है तो क्या ये देगा आपको, Cr NH3 ट्वाइस Cl2En+। तो ये भी दे सकता है, क्योंकि आपका जो है वो सिस आइसोमर कोई भी दे सकता है, ट्रांस आइसोमर नहीं दे सकता। तो दोस्तों Cr मैं बताता हूँ आपको, चलो आपने यहाँ पे En को लिख दिया, NH3 और NH3, Cl और Cl ऐसे आ गए प्लस। सिमिलर क्रोमियम को ऐसा लिखने के बाद आपने इन दोनों को जोड़ दिया, NH3 NH3 Cl NCl+ बनेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल रहे हैं। चलो अब जा रहे हैं हम 9.1 पे, 9.11 पे है ना, यस। तो चलो देखते हैं हम इधर 9.11, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऑफ दिस बोथ। पहला है CO Cl2En2। अगर सारे आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं आपको तो भाई आपको सबसे पहले सीस एंड ट्रांस ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बन जाएगा Ma2B4। तो इसीलिए ये आपको दे रहा है ऐसे, कौन है ये, Cl Cl En En, और ये ट्रांस हो गया ना, और इसका सीस कैसा होगा, यस Cl Cl En En। तो ये हो जाएगा आपका सीस और वो हो जाएगा आपका ट्रांस। लेकिन ये अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स नॉट गिवन, ये कभी नहीं दे सकता, और ये देगा
ये ऑप्टिकल देगा क्योंकि ये सीस है, ओके, तो उसके दो मिलेंगे, तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 3 आइसोमर्स होंगे, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये ऑप्टिकल एक्टिव, सो ये देगा डेक्स्ट्रो एंड लियो, ओके, ध्यान में रखना। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो आप लोग, CONH3ClEN2+2, तो ये भी क्या देगा आपको, सिमिलर लाइक दिस, इट इज ऑल्सो गिव्स द सिस एंड ट्रांस एंड ऑल्सो, ऊपर की तरह ही देंगे ये, जैसे मैं आपको बता देता हूँ आपका ऑप्शन क्या है, ये CO+2, तो जैसे इसके अंदर आपका Cl2 था वैसे इसमें En2 है, वो सीस और ट्रांस बनेंगे, लेकिन उसमें से सीस वाला जो आइसोमर है इट गिव्स द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके, ये दूसरा भी आप लोग खुद कर लोगे ट्राई, और तीसरा वाला CO CONH3 twice Cl2 En plus, तो इसमें भी सिमिलरली क्या होगा है दोस्तों, सीस और ट्रांस तो पहले मिलेंगे ही मिलेंगे, ये क्लोरीन और सीएल एक दूसरे के ऑपोजिट मिलेंगे सीस एंड ट्रांस, और दूसरे इसमें मिलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव भी इसमें से मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको सीस वाला ही दे सकता है, रेडी, सीस वाला जो होगा ना उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आपको मिलेंगे, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है इसको। उसके बाद 9.12 के अंदर राइट ऑल द जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ PtNH3BrClAndPy, द हाउ मेनी दिस विल बी एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो दोस्तों ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर कितने देगा, MABCD, ऐसा याद रख लो दोस्तों, इट गिव्स कैसा है तो मैं बता देता हूँ, प्लेटिनम को सेंट्रल में रख के NH3BrClAndPy ऐसा रखा मैंने, प्लेटिनम को सेंट्रल में रख के NH3 का पोजीशन चेंज नहीं किया, लेकिन PyBrClAndCl चेंज किया, प्लेटिनम को सेंट्रल में रख के NH3 का चेंज नहीं किया, ClPyBr, तो ऐसे अब चौथा अगर आप सोचते हो कि फोर्थ अगर आप आइसोमर बनाना चाहते हो तो वो नहीं बनेगा, लेकिन ये अमोनिया के सामने Cl आता है, अमोनिया के सामने Br आता है, अमोनिया के सामने पिरीडीन आता है, Py मीन्स पिरीडीन, और पिरीडीन ऐसा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और ये न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड है, बेसिक होता है ये, क्योंकि उसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसमें से एक भी नॉट गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये सब के पास ऐसा डाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, डाइडेंटेड लिगेंड होगा ना तभी ये क्या कर सकता है, और दूसरी चीज
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट गिव व्हाट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके लिए क्या चाहिए? ML6 एंड चिलेटिंग लिगेंड। याद रखो मतलब ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। रेडी दोस्तों? तो ध्यान में रखना आप लोग, क्लियर है? यहाँ तक रखने का हम सोच रहे हैं, बाकी की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हो सकता है तो शाम को भी हम रख सकते हैं लेक्चर, तो इतना थोड़ा सा टॉपिक है, 2-5 सवाल, तो वो क्लियर हो जाए दोस्तों अपने। तो क्लियर है मित्रों कि कोई डाउट है? हेलो, ओके। तो दोस्तों हम अपना लेक्चर इधर तक सीमित रखते हैं। बाय बाय।